जी हाँ, अब बात करते हैं योगी के मास्टर प्लान की। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा यूपी सीएम योगी के मास्टर प्लान की वजह से कोरोना संक्रमण को काबू रखने में कामयाब हुआ है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति काफी तेज चल रही थी। हालात ये थे कि संक्रमण की दर यूपी में 35,000 के पार चली गई थी, लेकिन योगी के मास्टर प्लान 3T ट्रैक ट्रेस ट्रीटमेंट की वजह से अब संक्रमण की दर 7,000 तक गिर गई है। और ये फॉर्मूला कामयाब रहा तो जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर बेअसर हो सकती है। सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार रणनीति को धार देते रहे थे। वहीं जब से सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, सीएम लगातार दौरे कर हालात का ग्राउंड पर जायजा ले रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की उपलब्धता और अस्पतालों में बेड को लेकर भी योगी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। गांवों की ओर जिस तरह कोरोना का प्रसार हो रहा था, उस पर रोक लगाने में योगी के मास्टर प्लान से काफी मदद मिली है। लगातार निगरानी समितियां एक्शन में हैं और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। तो लगातार केसेस कम आए हैं और क्या कुछ आंकड़े हमारे पास सामने निकल कर आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 16 मई को क्या रहा, 18 मई को क्या रहा, 19 मई और 20 मई 2021 जो केसेस हैं वो लगातार कम हुए हैं। कोरोना संक्रमण में गिरावट दर्ज की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं निधि यादव जी और डॉक्टर राजू व्यास हैं, निदेशक है फोर्टिस हॉस्पिटल के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। निधि यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जो 3T फॉर्मूला था सरकार का, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता दिखाई दे रहा है। जहाँ तक फॉर्मूला को कामयाब होने की बात कही जा रही है, मुझे लगता है कि बहुत देरी से इन्होंने आंकड़े भी जारी किए हैं और ये कामयाब कहीं से भी नहीं हो रहा है। अगर आप आंकड़े, वास्तव के आंकड़े देखें, जिस तरह से हर शहर आज अफेक्टेड है कोरोना वायरस से और इस संक्रमण से, ये इनका कहीं से भी ये फॉर्मूला कामयाब नहीं है। चाहे 3T ट्रेसिंग की बात करें, टेस्ट ट्रेस और ये जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, अभी भी संक्रमण पे कहीं भी रुकाव नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप प्रयागराज जिले की बात करते हैं, मैं प्रयागराज जिले से आती हूँ, आप यहाँ देखिए जिस तरह से गंगा में बहती लाशें इस बात का सबूत है कि संक्रमण ना ये रोक पाए हैं। इन्होंने ना कोई कैपेसिटी बिल्डिंग की है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें, आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ आंकड़ों के खेल में जनता को परेशान करके, जनता को कंफ्यूज करके दिखा रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने में ये कामयाब हो रहे हैं, जो पूरी तरह से निराधार है और झूठ है। और जहां ठीक है मैडम, आता हूं मैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को दे दें, यूपी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, करने निर्देश दिए गए हैं और सीएम योगी ने महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज ही आदेश जारी किया जाए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ब्लैक फंगस की दवा सुनिश्चित की जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ब्लैक फंगस एक नई चुनौती हमारे सामने है। कोरोना को हम लगातार उससे लड़ाई लड़ रहे थे और उसके बाद अब ब्लैक फंगस जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, अपडेट ये है कि टीम 9 की बैठक हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज ही आदेश जारी किया जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बात कही गई है। और ब्लैक फंगस की दवा सुनिश्चित की जाए, यूपी में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि आज ही ये आदेश दिए जाएं। टीम 9 की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं हम और उसके बाद अब ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि काफी चिंता की बात है।
और उसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री ने इसको महामारी घोषित करने के आदेश दिए हैं। और चलते हैं, हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजू व्यास हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस जो है एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बनकर आया है। जैसा कि अपन कई पिछले दिनों से डिस्कशन इसके बारे में देख रहे हैं और चल भी रहा है, ब्लैक फंगस एक्चुअली तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। हमारे इर्द गिर्द जो म्यूकोर नाम का एक फंगस जिसके पोर्ट्स हर समय में हमारे हवा में रहते हैं, ये जो है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों को ये पकड़ लेते हैं। और क्योंकि कोरोना वायरस जो है इस प्रकार का वायरस है जिसके कारण से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, साथ ही साथ जो लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं या किसी और प्रकार से वो और बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि कैंसर का होना या किसी लोगों ने मैं कैंसर का होना या उसके साथ ही ट्रांसप्लांट किसी ने अगर कराया है, परंतु इसी के साथ साथ जो हम लोग देख रहे हैं कि जो कहते हैं कि कोरोना के समय में जो हम लोगों ने स्टेरॉइड थेरेपी का जो इस्तेमाल किया, जो भी हम लोगों ने बगैर पूछे लोगों से बगैर डॉक्टरों की सलाह के लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अस्पतालों में भर्ती रहे और वहां पे उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ये सारी वो कैटेगरी है जिनके अंतर्गत होने की संभावना बनी रहती है। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में डायबिटिक पेशेंट्स ज्यादा हैं, अगर डायबिटिक पेशेंट्स को जो कि अनकंट्रोल डायबिटिक्स हैं उसमें अगर ये कोरोना वायरस लग जाता है तो डबल चांसेस ये होते हैं कि उनको ये आगे चल के म्यूकोर होने की संभावना रहती है। यह बीमारी नई नहीं है, ये पुरानी बीमारी है 1956 और उसके पहले से हमें पता है। हाँ, इन दिनों में ये आगे बढ़ के आई है और महामारी के रूप में देखने को मिली है, नंबर ऑफ केसेस परसेंटाइल के हिसाब से पूरे देश में बढ़ गए हैं। ठीक है, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी जुड़ गए हैं। मनीष गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी, अभी निधि यादव बोल रही थी समाजवादी पार्टी से हैं, कह रही है कि ये तो आंकड़े ऐसे ही दे रहे हैं कि लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। अभी निधि जी को शायद प्रदेश के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, हम लोगों ने पहले दिन से ही पूरी गंभीरता के साथ में इसको लिया है। देश में यह महामारी आई, जाहिर सी बात थी कि प्रदेश में और देश में डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। डॉक्टरों की संख्या एक दिन में नहीं बढ़ाई जा सकती है, आप भी जानते हैं, एक विशेषज्ञता का विषय है। लेकिन जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध थे हमने उनसे दिन रात प्रयास किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोविड पॉजिटिव होने के पश्चात और कोविड निगेटिव होने के बीच में भी एक भी दिन जनता की सेवा के कार्य को रोका नहीं है। दिन रात वो बैठकों के माध्यम से ऑनलाइन आदेश और उसके द्वारा उन्होंने टीम बनाई और उससे प्रत्येक जिले का कार्य प्रारंभ रहा। और जिस तेजी के साथ हमने लोग जब ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर रहे थे, हम अपना पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रारंभ कर दिया प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर। पिछले लगातार जब से महामारी फैली है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के काम चल रहे हैं और हर जिले के अंदर जल्दी हम अपना ऑक्सीजन प्लांट देंगे उसके जिला स्वास्थ्य केंद्र पर, उसके मुख्यालय पर। और इसी के साथ ही साथ देखिए, हमारी जागरूकता के साथ हमने देखा कि ब्लैक फंगस से अधिक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तत्काल उसको महामारी के रूप में घोषित किया और उसके इलाज के लिए जागरूकता अभियान प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जनपद में, गांवों तक चलाए जा रहे हैं। हमने आंगनबाड़ी के लोगों को इससे जोड़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को जोड़ा है, राजस्व के लोगों को उससे जोड़ा है, लेखपाल कानून को तक की जिम्मेदारी तय करी है। निधि यादव के पास चलते हैं। निधि यादव, इतना सब कुछ तो गिना गए यहाँ पर मनीष गुप्ता और आप कह रही कुछ किया ही नहीं है। मुरादाबाद में वहां पे गए थे लोगों से मिलने जो क्वारंटीन है और जो शायद संक्रमित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आपने वो वीडियो देखा भी होगा कि किस तरह से लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की। जब मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने बस इतना पूछा एक सेकंड के अंदर कि आप ठीक हैं, दवाई मिल रही है, अच्छा दवाई मिलेगी। और जैसे लोगों ने अपनी परेशानियां बताने के लिए शुरू किया उनकी आवाजों को म्यूट कर दिया गया और मुख्यमंत्री बड़े आराम से वहां चलते बने और उसके बाद से उनको कोई ना दवाई दी गई है ना कोई मेडिकल टीम वहां पहुंची है। ये सिर्फ एक एक जिले के एक गांव की बात मैं कर रही हूँ। आप ये बताइए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 1621 शिक्षकों की मौत हो गई है जो चुनाव की ड्यूटी में लगे थे। और जब आंकड़े लेने की बात आती तो आप कहते हैं कि चुनाव की ड्यूटी से लेकर घर तक के बीच में जिनकी मौतें हुई हैं 3 शिक्षकों को आपसे मुआवजा देंगे। और आपसे ही पूछना चाहती हूँ मनीष गुप्ता,
गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी कि आपको पता है ना कि ये बीमारी कितने दिनों में संक्रमण फैलाती है, कितने दिनों में असर होता है, कब पेशेंट सीरियस होता है, कब उसकी रिपोर्ट निगेटिव, आखिर कितने दिन लगते हैं? 14 दिन तो मिनिमम इसका पीरियड है, और आपने 3 शिक्षकों के नाम पे 1621 शिक्षकों की मौत का मजाक बना दिया, और आप आंकड़ों की बात मुझसे कर रहे हैं? आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने ये शुरू कर दिया, जागरूकता फैलाई, जागरूकता की बात नहीं है, सरकार आपकी है, 2017 से आपकी सरकार है, और ये पैंडेमिक 2019 में घोषित हुआ। निधि यादव जी, मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, आप अभी तक डॉक्टर नहीं बना पाए। मेरा एक सवाल ये है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ग्राउंड पर जा रहा है, तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, तो उसका असर तो पड़ता है ना, ये तो मानेंगी ना आप? नहीं, इसका क्या नहीं, असर तो ऐसा पड़ रहा है कि आप अगर जा रहे हैं तो कुछ सहायता और कुछ हेल्प करके आए लोगों की, आप जाके सिर्फ फोटो खिंचवा के वापस आ जाने, तो इससे क्या असर पड़ेगा? इनफैक्ट जो लोग वहां पर है वो और ज्यादा निराश हो गए कि प्रदेश का सूबे का मुखिया, सूबे का मुख्यमंत्री उनके दरवाजे पे आया, लेकिन सिर्फ एक सैनिटाइजर और एक मास्क दे चला गया। ये कितनी हास्यास्पद तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हजारों की तादाद में गंगा में लाशें तैर रही हैं, गंगा के किनारे पे रेती में उनको लकड़ी क्योंकि महंगी हो गई है उसके अभाव में लोग दफना दे रहे हैं, और जब आधी और तूफान आ रहा है तो लाशें ऊपर आ जा रही है। आखिर इतनी भयावह तस्वीर इस प्रदेश की आ रही है, और आप कह रहे हैं कि हमें आंकड़े नहीं पता। अरे आंकड़े आपको नहीं पता, आज संसाधन आपके पास है, कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग आपने की आप बताइए। आपने तो एम्बुलेंस भी समाप्त समाजवादी पार्टी सरकार की देन है कि आज उसी एम्बुलेंस की मदद से आज वो मरीज अस्पताल तक जा पा रहे हैं। आपने कितने हॉस्पिटल्स बनाए एक साल में, आप ये बताएं कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आपने मुहैया कराए, ऑक्सीजन जो आप कह रहे हैं कि आपने प्लांट्स लगाए, आपको अभी ध्यान आया 2021 में जब आंकड़े सर के ऊपर हो गए, जब हालत हाथ से बेकाबू हो गई, तब आपको समझ में आया कि आपको ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने? ठीक है, हाँ, सरकार आपकी है, आप किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 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 मनीष गुप्ता हमारे साथ नहीं है, संपर्क टूट गया उनसे। ठीक है, मनीष गुप्ता हमारे साथ नहीं है, वो आएंगे तो उनसे इन सारी बातों का जवाब जरूर लेंगे। राजू व्यास जी, आपको लगता है अभी तीसरी वेव आनी बाकी है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और जो लोग कोरोना संक्रमित अभी होके निकले हैं, जो निगेटिव आ गए हैं पॉजिटिव होने के बाद, उनके लिए भी अभी चुनौतियां कम नहीं है, तो तैयारी, एक बड़ी तैयारी यहाँ पर करने की जरूरत है? जी हाँ, ये पिछले कई दिनों से अपन लोग ये बात कर ही रहे हैं कि भाई सेकेंड वेव खत्म होगी, उसके बाद थर्ड वेव कब आएगी। पहले बात तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, इसको अपने को जल्दबाजी के रूप में नहीं देखना है, लेकिन हाँ, जिस पेस के साथ हम इस समय में अपने देश में कार्य कर रहे हैं, अपने राज्यों में काम कर रहे हैं, अपने जिलों में कार्य कर रहे हैं, इसी पेस से हम लोगों को आने वाले दिनों में जो है कार्य करना है। हाँ। एक साइड हमें अपने जिलों में और अपने राज्यों में, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह नहीं हुआ कि बड़े बड़े अस्पताल ही बना के छोड़ दिए जाए, परंतु उसके अंतर्गत हमें जो है मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को भी रिक्रूट करना जरूरी है। मैं कई जगह देखता हूँ कि बड़े बड़े अस्पताल तो बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप राजू व्यास जी, मैंने खुद देखा है अस्पतालों में जाकर, और वहां पर जितने भी वार्ड है एक आदमी है इंजेक्शन लगाने वाला या फिर एक नर्स है, वहां पर स्टाफ ही नहीं है। दूसरी बात, दवाइयों की कमी पड़ जाती है। तीसरी बात, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है लेकिन वहां पर नोटिस लग जाती है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या फायदा होगा? इसका कोई फायदा नहीं है। आज ही मैं कुछ मीडिया चैनल्स के थ्रू ये देख रहा था कि कुछ स्टेट्स के अंदर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे अब ताले जड़ दिए गए हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अगर ताले जड़ दिए जाएंगे तो जो कॉमन व्यक्ति है या जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति है वो कहाँ दिखाने जाएगा? तो ये इस तरह की स्थिति बड़ी भयानक है हम लोगों के लिए। तो एक साइड तो अपनी बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की, दूसरी साइड विलेज में अवेयरनेस और हर जगह पे अवेयरनेस करना कि बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, और सही समय पे अगर इलाज कराया जाए तो 90-95% मरीज ठीक हो जाते हैं। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसी समय में हमें हमारे लोगों को जागरूक भी करना है कि वैक्सीनेशन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। वैक्सीनेशन से हम करीब करीब अपनी 95% जनता को या करीब करीब 100% जनता को बचा पाएंगे। बिल्कुल, या इसका यही एक तरीके का इलाज है। हाँ। मैं आज आप ही लोगों के चैनल पे ये देख रहा था कि बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को अभी भी एक तरीके से ये कह दें कि थोड़ा सा डर लगता है। हाँ। या उनमें भ्रांतियां बहुत सारी फैली है वैक्सीनेशन को लेके भी। तो ये भी सरकार का और हमारी एनजीओ का
डॉक्टर्स का, हम सभी लोगों का एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए कि हम लोगों की ब्रांच जागरूक करने की जरूरत है। ठीक है, मनीष गुप्ता हमारे साथ आ गए। मनीष गुप्ता जी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है। हॉस्पिटल तो बहुत बड़े बड़े हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि, लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं होता है, दवाइयां नहीं मिलती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है भाई। हॉस्पिटल बड़े बड़े बन गए, लेकिन उसके आगे क्या? ऑक्सीजन की कमी को लगभग लगभग हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने पूरी तरह से उस पर सफलता प्राप्त करी है और पूरी तरह से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा और दूसरे प्रदेशों की जरूरतों को भी पूरे करने की स्थिति में जल्दी ही हम हो जाएंगे। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी चीजों की आवश्यकता की जो बात है, वो जो निश्चित वर्तमान में संसाधन है, इस बात को मैंने पहले ही आपको अवगत कराया कि डॉक्टर एक विशेषज्ञ और पैरामेडिकल स्टाफ विशेषज्ञ लोगों की एक टीम होती है, उसके लिए पर्याप्त रूप से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए उसकी व्यवस्था हमने पहले ही बजट में कर रखी थी। जितनी तैयारी अगर हमारी नहीं होती तो इतने कम समय में, पूरे देश में सबसे कम समय में उत्तर प्रदेश में हमने कितनी तेजी के साथ में इसको, इस पर सफलता पाई है और प्रयास करके और जितनी तेजी में रिकवरी रेट है, इसका मतलब हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, हमारे यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि अभी आपसे जब संपर्क टूट गया था तो निधि यादव कह रही थी कि मुख्यमंत्री तो जा रहे हैं वहां पर, लेकिन उसके बाद उनको कुछ मिल नहीं रहा है, वहां के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक एक जगह पर, और मैं इस पर तो स्पष्ट कर दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्णय रहता है, जहां कहीं पर भी कोई कमी है और जनता की सेवा में किसी भी अधिकारी ने लापरवाही करी है, चाहे वो जितना भी प्रभावशाली अधिकारी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी ये समय मिलजुल करके काम करने का है, कमियां निकालने का नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो हमें अवगत कराया या मीडिया ने जो अवगत कराया, उसके पश्चात हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने दिन रात मेहनत करके उन परिस्थितियों निधि यादव, ये क्या आरोप लगाने का समय है क्या? मिलजुल कर काम करने की बात अच्छी बात कर रहे हैं या तो मनीष गुप्ता? ये तो हमने हमेशा से कहा कि मिलजुल के बात करने का समय है, ये एक सेंटर की तरफ से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला के प्रमुख प्रमुख नेताओं से उनके सुझाव लेके एक अच्छी रणनीति तैयार करके देश के लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये विपक्ष की बात नहीं है। आखिर क्या वजह है कि आए दिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था तो राम भरोसे है, ये वो तो विपक्ष में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तो विपक्ष में नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार का तो नेचर होता है कि वो कभी भी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ सफलता को की बात करते हैं। आप कह रहे हैं आपने इतने कम समय में सफलता प्राप्त कर ली, अरे जब ICMR और WHO ने आगाह किया था दूसरी लहर को लेके, तब आपकी आंखें क्यों नहीं खुली, तब आप क्यों नहीं सोकर उठे? जब दूसरी लहर आ गई, अपना प्रकोप फैला दिया, तब आप ऑक्सीजन का प्लांट लगाने चले हैं। अभी भी वैक्सीनेशन की दर अगर देखी जाए तो वो बहुत ही कम है, और वैक्सीनेशन जब हो जाना चाहिए था उसके बहुत समय बाद हो रहा है वैक्सीनेशन। तो ये सब तो देखिए, ये लोग बातें घुमाकर करने कर रहे हैं और सिर्फ विपक्ष पे ठिकरा फोड़ने की बात है। ठीक है, मनीष गुप्ता जवाब दीजिए। सरकार आपकी बैठ, हम विपक्ष पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, ये तो हमारे मीडिया के बंधु बताएंगे, रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि वैक्सीनेशन के लिए, ये वैक्सीनेशन धोखा, और उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बोला। उच्च न्यायालय के कमेंट के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? सभी ने उत्तर प्रदेश के मॉडल की बढ़ाई करी है। अगर हाईकोर्ट WHO ने उत्तर प्रदेश मॉडल को स्वीकार किया है, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश मॉडल को स्वीकार किया है, सभी ने उत्तर प्रदेश मॉडल को स्वीकार किया है। एक एक करके निधि यादव, एक एक करके ठीक है, सुन लेते हैं। मनी आपने इसका सवाल उठाए ना, निधि यादव आपने तो सवाल उठाए ना, ठीक है, अब जवाब तो ले ले। हाँ जवाब तो ले ले, मनीष गुप्ता जवाब दीजिए। वैक्सीनेशन करवाने के लिए पूरे वर्ष भर से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, हमारे विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जिम्मेदार लोग उस वैक्सीनेशन पर टिप्पणी कर रहे थे और खुद वैक्सीनेशन जाने कराने की बजाय जनता को गुमराह कर रहे थे कि ये वैक्सीनेशन चला हुआ है। आज उसी वैक्सीनेशन को कराने के लिए वो कह रहे हैं कि अब वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उनको ये पता नहीं कि ये वैक्सीन अभी बड़े और बुजुर्गों के लिए लगाने के लिए है, बच्चों के लिए अभी लगानी है कि नहीं लगानी है, लेकिन वो ये बयान दे रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन हमने बाहर भेज दी और विदेशों से हमारे पास सहायता आ रही है, क्योंकि हमने उनके साथ में बुरे वक्त में हमने उनका साथ दिया। उस समय भारत की स्थिति दूसरों की मदद करने की स्थिति थी, तभी पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया ना। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जवाब, नीति आयोग में हमारे जवाब, नीति आयोग ने हमको सराहा, WHO ने हमारे सराहा, दुनिया के सराहा नहीं है, एक कमेंट में सिर्फ मेंशन किया है।
दुनिया के दुनिया ने हमारे मॉडल को स्वीकार किया है कि फील्ड वर्कर्स थ्री टी किसी भी मुख्यमंत्री ने देश के किसी भी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं करी तो फील्ड में जाकर काम हमारे मुख्यमंत्री फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री फील्ड में जाकर के जनता के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं और उसके बीच में सारे एक 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 जगह पर जनता कर रहे हैं जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने कितनी सुविधा मुहैया कराई आप मुझे बताएं कितने परिवारों से मिले और कितने परिवारों को दवाइयां ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर जो भी अनाज पानी की क्या व्यवस्था की उन्होंने इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं आज के निधि जी मेरे पास थोड़े से आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ 16 मई 2021 10,682 केस 17 मई 2021 9,391 केस 18 मई 2021 8,737 केस 19 मई 7,336 और 20 मई 6,725 केस तो ये तो आंकड़ा जो हमारे सामने आया हम उस पर बात कर रहे हैं ये तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है ना ये तो सामने है नहीं तो जब टेस्ट ही कम करा दिए जाएंगे जब 50,000 से सीधा 17,000 टेस्ट की वो बढ़ा कम कर दी जाएगी तो नेचुरल सी बात है कि आपके पास आंकड़े भी कम ही आएंगे आंकड़ों को तो गलत आरोप है।